बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त आगाज रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप का। बाबर आजम कोई 50 भी नहीं बना सके, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों टेस्ट जीते। फिर साउथ को मैं जरा डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ, मैं उस लाइनअप का प्लेयर्स देख रहा हूँ जिस लाइनअप में बाबर आजम है, विराट कोहली है, जो बड़े नाम है 5-6। तो आपको क्या लगता है एशिया कप में कितने चांसेस हैं पाकिस्तान की फतह के? दो ही इस वक्त एशिया की बड़ी टीमें लग रही हैं, वो एक इंडिया और एक पाकिस्तान। भारत में पाकिस्तानी टीम को शायकीन के भी दबाव का सामना करना पड़ेगा। इंडिया में नो डाउट जब इंडिया के साथ मैच होगा तो यही समझिए कि जब हम लोग अच्छा खेल रहे होंगे तो स्टेडियम में कोई नहीं बैठा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में श्रीलंका को टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से हराया, फिर अफगानिस्तान से सीरीज़ होनी है, उसके बाद एशिया कप, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा वर्ल्ड कप। इन तमाम टूर्नामेंट्स या जो सीरीज़ हैं उनमें पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए बेहतर परफॉर्मेंस के लिए? क्या दो विकेट कीपर्स को लेकर जाना चाहिए वर्ल्ड कप और एशिया कप में, और आगे के लिए क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए? आज हम बात करेंगे इन उमूर पर साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल से, और उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करेगी इन इवेंट में, और श्रीलंका में परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप भी बड़े खुश हुए होंगे श्रीलंका में पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और दोनों टेस्ट जीते। काफ़ी अरसे बाद ऐसी परफॉर्मेंस सामने आई टेस्ट क्रिकेट में। जी बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त आगाज रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, और 2025 को सामने रखते हुए जैसा स्टार्ट चाहिए था वैसे स्टार्ट मिला। एक कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, लास्ट ईयर अच्छा नहीं गया था, लड़कों ने भूल गए हैं, अब आगे की तरफ देखा है और एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट किया। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो एक शेल से शेल में थे ना बैटिंग करते हुए, डर डर के कर रहे थे, टाइम ले रहे थे, उस चीज से थोड़ा सा निकले, थोड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलना शुरू किया, जिसकी वजह से आप देखें कि श्रीलंका में खेलना फिर जीतना श्रीलंका से इतना इजी नहीं होता। तो पाकिस्तान टीम को ये चीज का फायदा हुआ है जो पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी शुरू की उन्होंने। अमूमन ऐसा होता था कि जी बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान टीम जीतेगी, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ देखा गया कि बाबर आजम कोई 50 भी नहीं बना सके, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों टेस्ट जीते। सऊद शकील ने अच्छा परफॉर्म किया, सलमान अली आगा ने अच्छा परफॉर्म किया, इसी तरह अब्दुल्ला शफीक की भी परफॉर्मेंस आखिरी मैच में अच्छी रही। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये नेक शगुन है? देखिए बिल्कुल, डेफिनेटली प्रेशर कम हुआ होगा, आगे देखेंगे। पहले बाबर पे ज्यादा जिम्मेदारी थी, वो लेके चल रहा था बैटिंग लाइनअप को। अब देखे ना कि बाबर ने पहले टेस्ट मैच में ठीक है बड़े स्कोर नहीं किए, तो साउथ ने जैसे आके परफॉर्मेंस दिखाई है, जैसे 100 किया, तो ये मैच्योरिटी नजर आई है और एक जिम्मेदारी नजर आई है बैटिंग लाइनअप में। तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और टेम्परामेंट, शॉर्ट सिलेक्शन, और मेंटली पता चला कि कितना स्ट्रॉन्ग है, जो इस वक्त टीम को जरूरत थी टेस्ट मैचेस में मिड ऑर्डर में रन करने, वो सारी चीजें चली हैं। तो मेरे ख्याल से उसका फायदा होगा और इस चीज को कंटिन्यू रखें। साथ आगा सलमान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो अच्छी चीज है कि जूनियर लड़के आके टेस्ट क्रिकेट में आके अर्ली और परफॉर्मेंस ऐसी दे रहे हैं और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो सदियों याद रखी जाएंगी। फिर साउथ को मैं जरा डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ, मैं उस लाइनअप का प्लेयर्स देख रहा हूँ जिस लाइनअप में बाबर आजम है, विराट कोहली है, जो बड़े नाम है 5-6, अगले 3-4 सालों में इनके करीब पहुंचना चाहिए। और ऐसी परफॉर्मेंस इसने जैसी दिखाई है, जैसी उसने बैटिंग दिखाई है और मुश्किल टाइम था, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। कोई ऐसी बैट्समैन परफॉर्मेंस दिखाता है इतनी अर्ली एज में, अर्ली टेस्ट क्रिकेट में, तो वो उस लाइन का प्लेयर होता है। जैसे मैंने बात किया जिन प्लेयरों के नाम नहीं है, तो वो करंट नजर आ रहे हैं साउथ शकील में। एशिया कप भी करीब है और श्रीलंका में पाकिस्तान ने अभी टेस्ट सीरीज जीती है, कंडीशंस का आइडिया हो गया होगा प्लेयर्स को। तो आपको क्या लगता है एशिया कप में कितने चांसेस हैं पाकिस्तान की फतह के? देखिए लास्ट ईयर तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, तो एक ये इस साल जैसे टेस्ट मैचेस शुरू हुए हैं, ये जो जीत मिली है पाकिस्तान टीम को, पहला टेस्ट मैच, खैर अभी दूसरे टेस्ट मैच में 3 दिन पड़े हुए हैं, फोरकास्ट क्या होती है, तो जब व्हाइट वॉश करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम के पास कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस एशिया कप में बड़ा काम आएगा।
फिर एशिया कप आपको पता है पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल में अच्छी चीज है कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस हो रहे हैं और अभी श्रीलंका में पाकिस्तान टीम खेल रही यूज टू है, और बड़ा जरूरी था ये एशिया कप होना। और इसमें पाकिस्तान टीम दो ही इस वक्त एशिया की बड़ी टीमें लग रही हैं, वो एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट ऑफ थ्री होगा और एक अच्छा एशिया कप होगा, और पाकिस्तान टीम को ये वर्ल्ड एशिया कप परफॉर्मेंस तो अच्छी देनी पड़ेगी, साथ कॉम्बिनेशन का पता चलेगा कि वर्ल्ड कप में हम लोग क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये इस लिहाज से इस एशिया कप को खेले जीते, जिसका कॉन्फिडेंस फिर वर्ल्ड कप में भी, और अच्छा कॉम्बिनेशन पिच के मुताबिक, कंडीशन क्या है, पिच क्या है, उसके मुताबिक बनाए, ना कि दूसरी चीजें सोच के बनाएंगे तो फिर उसका फायदा नहीं होगा, फिर वर्ल्ड कप की भी तैयारी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जहां मैं देख रहा हूँ एशिया कप पाकिस्तान टीम को, वो मुझे लग रही है कि बड़ी बैलेंस टीम है, फास्ट बॉलिंग में है, फिर स्पिन डिपार्टमेंट में है, फिर बैटिंग में बड़ा जबरदस्त सेटल हुए हुए हैं, तो एक अच्छी बैलेंस टीम लग रही है पाकिस्तान की। व्हाइट बॉल में रिजवान, रेड बॉल में सरफराज, आपका क्या ख्याल है कि विकेट कीपर अलग 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 तर्ज में होना दुरुस्त है? देखिए बिल्कुल ठीक है, पहले सरफराज खेलता रहा, बड़ी जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी, मैचेस कुछ अच्छे नहीं हुए तो खैर वो तो किसी और वजह से निकाला सरफराज को, लेकिन क्या बात करें, लेकिन ज्यादती तो सरफराज के साथ तो है ही है, पाकिस्तान टीम के साथ ही है। फिर ऐसे ही मौका रिजवान को मिला तो उसने वो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने रन करके दिखाई है, परफॉर्मेंस दिखाई है। अनफॉर्चुनेटली रिजवान से फिर रन नहीं हुए तो सरफराज को दोबारा मौका मिला, तो एक अच्छी चीज है कि टेस्ट मैच में सरफराज अभी खेल रहा है। वाइड बॉल क्रिकेट में रिजवान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, T20 में, वनडे में रिजवान के बगैर मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। रिजवान साइड का हिस्सा है और लीड कर रहा है बैटिंग को, बाबर के साथ, इमाम के साथ, फखर के साथ, ये तीन तो है ही है, लेकिन मिडल में आके बड़ा जरूरी था कोई ऐसा प्लेयर्स जो इनिंग्स बिल्ड करे, एक एंड संभाले भी, साथ रन भी करे, तो वो अब फॉर्म इसकी वापस आई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उस चीज को कैरी ऑन करेगा रन तो पाकिस्तान टीम का भी फायदा होगा और एक बैटिंग मजबूत होगी, फिर अपने लिए भी रिजवान के लिए बड़ा फायदा होगा। आपको पता है कि आप एक फॉर्मेट से बाहर होते हैं ना तो दूसरे फॉर्मेट में जैसे वनडे होगा उसमें रन नहीं होगा तो और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, तो उस प्रेशर को अपने ऊपर आने ना दे, पॉजिटिव माइंड रखे और अपनी नेचुरल गेम खेले और बड़े दिल से खेले। इतना जबरदस्त प्लेयर है तो इसका फायदा पाकिस्तान टीम को होना चाहिए, और वर्ल्ड कप में ये प्लेयर्स ऐसे हैं हमारे चार पांच, ये डिफरेंट नजर आएंगे, परफॉर्मर भी हैं, रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, मेच्योर है, एक्सपीरियंस है, तो इसलिए इस पाकिस्तान इस इन लड़कों का पाकिस्तान टीम को फायदा होगा, इनकी फॉर्म कंटिन्यू रहनी बड़ी जरूरी है। सरफराज और रिजवान के बाद आपको कौन सा लगता है तीसरा ऐसा विकेट कीपर जो कौमी टीम की नुमाइंदगी तवील अरसे तक करने का अहल हो, और क्या लगता है एशिया कप में और वर्ल्ड कप में दो विकेट कीपर लेकर जाना चाहिए? देखिए यंगस्टर्स तो काफी आ गए हैं, जैसे लाइक मोहम्मद हारिस है, T20 टीम का भी हिस्सा होता है, खेल रहा होता है, प्लेइंग 11 में खेल रहा होता है, रिजवान भी खेल रहा होता है, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। फिर क्या नाम है, रोहेल नजीर है, उसको तैयार किया जा रहा है, वो दोबारा कमबैक किया उसने अभी जिम्बाब्वे, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है टीम लेके कप्तान बना के। तो हसीबुल्ला वो बैट्समैन भी, विकेट कीपर में थोड़ी सी उसको और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि ये तीनों यंगस्टर बड़े जबरदस्त है। लेकिन मैं वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए देखूं, अगर कोई मेच्योर लेके जाना विकेट कीपर या उस प्रेशर को हैंडल कर सके, तो मेरे ख्याल से वो सरफराज को देखना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इंजरी होती है रिजवान को या कोई मसला होता है, तो फिर आपको मिडल में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो स्ट्राइक भी रोटेट करता रहे, स्पिनर्स को डोमिनेट करे, वहां पे स्पिनर्स ने ज्यादा बॉलिंग करनी है, ब्रेक भी होगा तो एटलीस्ट स्पिनर्स अच्छा खेलना हो, जो रोलिंग क्रिकेट भी खेले, क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेले और एक मिडल में आके बैटिंग लाइनअप को ही संभाल सके। अगर सिलेक्टर्स ये करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगी, लेकिन ये है कि बाकी जो तीनों है वो अभी उनको खेलने दें, लंबी क्रिकेट खेलने दें, अभी टूर्स करवा रहे हैं, अच्छी चीज है, डोमेस्टिक खेले, यही चाहते हैं प्रोसेस के साथ आ जाए, जिससे फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इनको खेलने दें अभी जहाँ पे वो खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप तक अगर आपने चांस लेना है तो
तो मेरे ख्याल से सरफराज के साथ जाना चाहिए। भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है और इम्कान यही है कि पाकिस्तान टीम हिस्सा लेगी उसमें और हुकूमत इजाज़त दे देगी, पाकिस्तान से मिलती जुलती कंडीशंस होंगी, तो आपको क्या लगता है कैसी रहेगी परफॉर्मेंस हमारी टीम की? देखिए चांस पाकिस्तान टीम के बड़े ब्राइट है, और देखिए इंडिया या पाकिस्तान या श्रीलंका वो कंडीशन है जहाँ पे हमारी टीम हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है, एक अच्छा जबरदस्त कॉम्बिनेशन भी बनता है, बड़े दिल से खेलती है। तो ये इस वक्त चांस है पाकिस्तान टीम के पास, इंडिया में हो रहा नो डाउट। जब इंडिया के साथ मैच होगा तो वो बड़ा प्रेशर गेम होगी, फिर हमारे प्लेयर्स फर्स्ट टाइम इंडिया जा रहे होंगे, जितने टीम का हिस्सा बने हुए हैं या जो टीम अनाउंस होगी, डिपेंड है कि वो कंडीशन तो है हमारे मतलब की, वहां पे 2011 में भी खेले हैं, 96 का भी वर्ल्ड कप हुआ है, लेकिन ये है कि टीम क्या अनाउंस करते हैं उस कंडीशन को सामने रखते हुए। जो सिलेक्टर अभी सिलेक्शन कमेटी अब नई बनी नहीं है, उनका क्या विजन है, हरून भाई पहले थे वो उनका क्या था, मिकी आर्थर का क्या है, बाबर का क्या है, तो ये चीजें सारी मेरे ख्याल से एक पेज पे होंगी, और जो बेस्ट टीम बना सकते हैं उस कंडीशन को देखते हुए वो बनानी चाहिए। फिर अच्छा मौका है पाकिस्तान टीम के पास, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि इंडिया में हो रहा वर्ल्ड कप, कंडीशन हमारे मतलब कि थोड़ा सा जैसे ये टेस्ट मैच खेले हैं ना पॉजिटिव क्रिकेट, शेल से बाहर निकले हैं, डर के नहीं खेले, दिलेरी के साथ खेले हैं, तो ऐसे वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा, वनडे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, एशिया कप में ऐसे डोमिनेट करना पड़ेगा, ना कि हम लोग वो डर डर के खेले, सिर्फ सोचे हम 270-280 का टारगेट, तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वहां पे आपको पता हाई स्कोरिंग मैच होंगे, 350-350 रन हर मैच में करने पड़ेंगे बड़ी टीमों को, तो वो फिर जाके हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है मेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए और फिर ही मजा है, और इन दोनों टीमों के पास इतनी एबिलिटी है, इतनी अच्छी बॉलिंग है, इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, ये फाइनल खेल सकती है, क्योंकि बाहर की टीमें आके अंडर प्रेशर होंगी, स्पिनर से खेलने से कॉन्फिडेंस नहीं होगा दूसरी टीमों को, और उसके बाद फास्ट बॉलिंग रिवर्स स्विंग आपको पता है कि पाकिस्तान के पास बड़ी जबरदस्त है, जैसे शाहीन रिदम में आया हुआ, नसीम चाह, स्पिनर्स की ऑप्शन हमारे पास बड़ी जबरदस्त है, इमाद है, नवाज है, शिदाब है, आई डोंट नो अब इनमें से कौन होते हैं, लेकिन यह है कि एक अच्छा पाकिस्तान टीम का यूनिट लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, जो वर्ल्ड कप का वो तो अब सिलेक्टरों ने अनाउंस करना है, लेकिन यह है कि कंडीशन हमारे मतलब कि इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान टीम को। भारत में पाकिस्तानी टीम को शायकीन के भी दबाव का सामना करना पड़ेगा, जैसे अहमदाबाद में मैच होगा, 1 लाख से ज़ायद लोग पाकिस्तान के, ज़ाहिर मुखालिफ ही होंगे, सारे नारे भी लग रहे होंगे, आप वहाँ पे खेल चुके हैं, आप क्या मशवरा देंगे प्लेयर्स को कि किस तरह से वहाँ पर अपने आप को काम रखें, क्योंकि आपने खुद ही कहा, जैसे बिल्कुल ठीक कहा, कि बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स या तकरीबन तमाम पहली बार वहाँ पर खेलेंगे। देखिए मशवरा नहीं, अब सारे माशाल्लाह मेच्योर हो गए हुए हैं, एक्सपीरियंस हो गए हुए हैं, और इंडिया में नो डाउट जब इंडिया के साथ मैच होगा तो यही समझिए कि जब हम लोग अच्छा खेल रहे होंगे तो स्टेडियम में कोई नहीं बैठा होगा, इंडियन टीम अच्छा कर रही होगी तो वो समझे कि हमारी आवाज स्लिप वाले को भी नहीं जाएगी, विकेट कीपर की आवाज स्लिप वाले को भी नहीं जाएगी, ऐसा शोर होगा, और अपनी टीम को फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन सेम टाइम पाकिस्तान टीम वहां पे एंजॉय भी बड़ा करेगी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं खुश भी बड़ी होगी, ये टूर यादगार रहेगा, और प्लेयर्स ऐसे बनते हैं, ऐसे प्रेशर वाले मैचेस खेले, प्रेशर वाले टूर हो तो फिर जाके प्लेयर्स बनते हैं, प्लेयर्स का पता चलता है, तो मेरे ख्याल से इन प्लेयरों के पास अभी वो सारी चीजें हैं, वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, फाइनल खेले हुए हैं, लंबी क्रिकेट भी खेले हुए हैं, अब एक्सक्यूज कोई नहीं है, अब ये एक्सक्यूज या क्राउड का आ गया, कंडीशन का आ गया, पिच का आ गया, बाउंस का आ गया, ब्रेक का आ गया, ये अब एक्सक्यूज खत्म हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंडिया जाके ऑस्ट्रेलिया में जीत सकती है, साउथ अफ्रीका में जीत सकती है, न्यूजीलैंड में जीत सकती है, हम लोग जाके क्यों नहीं जीत सकते, हमारी टीम के पास भी सब कुछ है, उसी सूरत है कि जब हम लोग इन चीजों से दूर रहे, एक्सक्यूज ना दें और अपने गेम प्लान पर रहे, आजकल क्या मॉडर्न डे में क्रिकेट कैसे खेली जाती है उसके मुताबिक खेलें, अपनी टीम को डेवलप करें, फिर जाके फायदा होगा, और क्राउड डेफिनेटली वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन ये है कि लड़कों के लिए एक बड़ा यादगार टूर रहेगा, फिर मैं बोलूंगा, लेकिन ये है कि फोकस रखें, सोचे ना इतना, यही सोचें कि जैसे दूसरे मुल्कों में टूर किए हुए हैं वैसे खेलना, और इतना हाइप ना बनाया अपने पे, इतना ले ना, सोचे ना कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं, इंडिया लाइक पाकिस्तान की तरह कंडीशन है, उस मेंटेलिटी के साथ जाएं और सोचे और उसके मुताबिक गेम प्लान बनाएं।
बाबर आजम की कप्तानी में किस हद तक बेहतरी नजर आ रही है आपको? देखिए इम्प्रूवमेंट हर कप्तान के पास गुंजाइश होती है और सीखता है, डे बाई डे बेहतर होता है। ठीक है लास्ट ईयर अच्छा नहीं गया, सबने बड़ा क्रिटिसाइज किया प्लानिंग को लेके, लेकिन स्टार्ट उसने ये श्रीलंका में अच्छा किया, अच्छी कैप्टनसी की है, तो इसको मजीद बेहतर करे। और इस वक्त वर्ल्ड कप है और जो बेस्ट कर सकता है, अपने लड़कों से काम ले सकता है, बॉलिंग चेंजिंग, फील्ड प्लेसिंग, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से जितना एक्सपीरियंस हो गया हुआ, जितना अरसा हो गया हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में ऐसा कोई इशू नहीं होगा। और सीखा है और अच्छी कैप्टनसी कर रहा और इसको कंटिन्यू करे। परफॉर्मर इतना बड़ा, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर है, ओडीआई नंबर वन प्लेयर है, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना पाकिस्तान टीम में। तो मेरे ख्याल से जब तक बाबर खेल रहा है इसको सपोर्ट करे, और फिलहाल अभी बाबर को सोचे कि वर्ल्ड कप में उसका क्या गेम प्लान है। आपने कुछ अरसे कबल रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, तो अब क्या कोचिंग की तरफ आने का इरादा है फुल टाइम, या फिर दोबारा लीग्स वगैरह खेलते रहेंगे? फुल टाइम तो नहीं, अभी आपको पता है कि लीग वगैरह भी खेल रहा हूँ, और काफी दुनिया के प्लेयर्स छोड़ने के बाद लीग क्रिकेट को कंटिन्यू कर रहे हैं, T20 को कंटिन्यू कर रहे हैं, और मेरा भी यही प्लान है कि PSL में जलमी टीम पे है कि वो क्या रोल देते हैं क्या नहीं जब शुरू होगी उन पे है, लेकिन ये है कि जब कोई भी मौका मिला तो डेफिनेटली इसमें जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यंगस्टर के साथ। और कोचिंग में भी जब आएंगे जो काम करेंगे, मेरा ये नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान टीम में जाने की कोशिश करूं। और जब मैंने छोड़ी थी उस वक्त भी मीडिया ने सवाल किया था, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं ग्रासरूट लेवल से काम शुरू करूं, जो मेरा एम है, जो मेरा फायदा यंगस्टरों को होगा, और अंडर 19 को होगा, शाहीन को होगा, 23 साल के लड़के को होगा, फील्ड में मैं काम करूंगा और उनके साथ काम करने का मुझे मजा भी आएगा। और ऐसे ही प्रोसेस के साथ आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको फायदा होगा। एकदम से आप सोचें वही लाइफस्टाइल आपको चाहिए जो प्लेइंग्स डे में होगा, तो वो कभी सीखता नहीं है और ना लंबा काम करते हैं। तो मेरी सोच यही है कि मैं स्टार्ट करूं तो ग्रासरूट लेवल पे अंडर 19 के साथ करूं, जब भी कोई मौका मिला तो अपना एक्सपीरियंस एटलीस्ट, इतनी क्रिकेट 13-14 साल इंटरनेशनल खेली है, डोमेस्टिक है, वो एक्सपीरियंस बच्चों में जाए तो ज्यादा अच्छा है और ज्यादा फायदा होगा उन बच्चों के लिए, मेरे लिए भी सीखने का और काम करने का तरीका जो होना चाहिए, बेसिक्स जो होनी चाहिए। ग्राउंड में खेलते वक्त डिफरेंट एटीट्यूड होता है, एज अ कोच आप कैसे लेके चलते हैं, वो मेरे ख्याल से अंडर 19 बच्चों के साथ ही पता चलता है प्लेयर्स का। उमर अकमल की आजकल क्या मसरूफियात हैं, फॉर्म और फिटनेस कैसी है उनकी? देखिए फिटनेस माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी हुई हुई है और मेहनत कर रहा है, और फॉर्म आपके सामने ही है। PSL में अखीरले मैचेस खेला, अर्ली मैचेस में परफॉर्म नहीं हुआ था, तो अखीरले 2-3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो पूरी उम्मीद है ये सीजन शुरू होगा। परफॉर्मेंस देखे सबसे बड़ी बात है और जवाब है, और परफॉर्मेंस देगा तो डेफिनेटली हर चीज इजी होती जाएगी। वो अपने एंड से पूरा काम करे, परफॉर्मेंस दे, फिटनेस बेहतर करे, और जैसे वो मेहनत कर रहा है इस वक्त और लीन भी हुआ हुआ थोड़ा सा, और अच्छा साइन है और दिल से मेहनत कर रहा है, आपके सामने है और आप भी देख रहे होंगे कि मेहनत कर रहा है तो उसका फायदा उसको होगा। लेट्स सी ये सीजन कैसा स्टार्ट करता है, उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उसका फोकस सारा क्रिकेट की तरफ है, पहले भी था, लेकिन अब क्या के पास खत्म हो गया, आगे का सोचना और यही सोच के वो मेहनत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल आपका। कामरान अकमल की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने पेशगोई की है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का फाइनल होगा, बाबर आजम की कप्तानी में उन्हें बड़ी इंप्रूवमेंट नज़र आती है, प्लेयर्स को उन्होंने मशवरा दिया है कि जब इंडिया जाएं खेलने के लिए तो किसी खौफ का शिकार ना हो, अपना नेचुरल गेम खेलें। श्रीलंका में उन्होंने कहा कि प्लेयर्स दिफाई हॉल से बाहर निकले, जिसकी वजह से उनकी असल सलाहियतें सामने आईं। इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।